तो आज का शीर्षक है, क्या चर्च में स्त्रियों को ओढ़नी से सिर ढकना चाहिए, हेड कवरिंग। स्त्रियों के ओढ़नी ओढ़ने के विषय को लेकर बहुत सी कलीसियाओं में विवाद चलता है। इसमें तीन वर्ग हैं। पहला वर्ग वो है जो ये कहता है कि पहले कुरिन्थियों के 11वें अध्याय में जिन आयतों में स्त्रियों को ओढ़नी ओढ़ने के लिए कहा गया है, वे आयतें स्पष्ट रूप से ये बताती हैं कि एक स्त्री को चर्च में अपना सिर ढकना चाहिए। दूसरा वर्ग ये कहता है कि अगर स्त्री के बाल लंबे हैं तो वो उसके लिए ओढ़नी का ही काम करते हैं, इसलिए उसको अलग से ओढ़नी ओढ़ने की जरूरत नहीं। तीसरा वर्ग ये कहता है कि पौलुस ने ये आयतें उस समय के कोरिंथ की संस्कृति और रीति रिवाजों के आधार पर लिखी थी जिसमें स्त्रियां ओढ़नी ओढ़ती थी, पर आज के आधुनिक समाज में यानी मॉडर्न सोसाइटी में जहां स्त्रियां भी बाहर जाकर नौकरी करती हैं वहां ओढ़नी वाली ये आयतें लागू नहीं होती। इस संदेश के अंत में मैं इन तीनों वर्गों के विषय में चर्चा करूंगा, इसलिए कृपया पूरा संदेश देखिए। अब सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि सिर ओढ़ने का यह विषय परमेश्वर ने पौलुस द्वारा स्त्रियों के लिए लिखवाया है, इसलिए चर्च में पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों को इस विषय में रुचि होनी चाहिए। तो इस विषय को सही तरह से समझने के लिए हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि बाइबल अधीनता के विषय में क्या कहती है, क्योंकि इन आयतों में ओढ़नी को अधीनता का ही चिन्ह बताया गया है। ध्यान रहे, पौलुस यहां डर और दबाव की अधीनता की बात नहीं कर रहा है, बल्कि प्रेम और अनुग्रह की अधीनता की बात कर रहा है। सबसे पहले परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम को बनाया अपनी समानता और अपने स्वरूप में। यहां समानता शारीरिक या चेहरे की नहीं है, बल्कि नैतिक यानी मॉरल, मानसिक यानी मेंटल और भावनात्मक यानी इमोशनल समानता है परमेश्वर और मनुष्य में। आदम से ही विश्व की सारी पीढ़ियां निकली हैं, इसीलिए हम मनुष्य को आदमी बोलते हैं। बाद में परमेश्वर ने आदम की ही पसली निकालकर हव्वा को बनाया जो आदम की पत्नी हुई। पर परमेश्वर ने हव्वा को क्यों बनाया? उत्पत्ति 2:20। सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब परमेश्वर ने आदम की एक पसली निकालकर हव्वा को बनाया। तो हव्वा आदम की सहायक हुई। क्या इसका मतलब है कि हव्वा आदम से नीचे हुई, अर्थात हीन हुई, इंफीरियर? बिल्कुल नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने हव्वा को आदम से ही निकालकर बनाया था, इसलिए हव्वा भी परमेश्वर की समानता और स्वरूप में ही थी जैसा आदम था। उत्पत्ति 1:27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि करी। मतलब ये कि परमेश्वर के लिए आदम और हव्वा दोनों समान थे। तो फिर परमेश्वर ने हव्वा के लिए सहायक शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? यहां सहायक का इब्रानी शब्द है एजर, अंग्रेजी में EZER। यही शब्द एजर बाइबल में कई बार परमेश्वर के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे भजन संहिता 115:9-11 में, नवी आयत में, हे इज़राइल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। अब यहां परमेश्वर को मनुष्य का सहायक बताया गया है और आगे की आयतें भी यही कहती है। तो क्या यहां परमेश्वर मनुष्य से नीचे हो गया? बिल्कुल नहीं, बल्कि यहां एजर अर्थात सहायक शब्द जो हव्वा के लिए इस्तेमाल किया गया था उसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है। एक ऐसा सहायक जो किसी भी रीति से नीचे या हीन या कमजोर नहीं है। यूहन्ना 14:16 में यीशु ने कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो यहां पवित्र आत्मा के लिए भी सहायक शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो यहां पवित्र आत्मा यानी स्वयं परमेश्वर हमारा सहायक हुआ। तो परमेश्वर ने आदम के लिए ऐसा सहायक बनाया जो उससे एकदम मेल खाता हो, उसके समान। इससे पता चलता है कि
पुरुष और स्त्री एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और दोनों मिलकर ही एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो फिर ये अधीनता वाली बात क्या है? इफिसियों के 5:22 में ये क्यों लिखा है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। तो क्या परमेश्वर ने हव्वा को आदम के अधीन रखा था? इसका उत्तर है हां, क्योंकि बाइबल ऐसा ही सिखाती है। पहले कुरिन्थियों के 11:9 में पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया, परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। अब मैं समझा चुका हूं कि परमेश्वर के लिए स्त्री और पुरुष दोनों समान है, लेकिन उसने मनुष्य के जीवन को चलाने के लिए एक व्यवस्था स्थापित की, परिवार की व्यवस्था, द ऑर्डर ऑफ द फैमिली। हमारे समाज में हर संस्था, हर स्कूल, हर कॉलेज और हर दफ्तर में एक व्यवस्था होती है, एडमिनिस्ट्रेशन। इन जगहों में काम करने वाले सभी कर्मचारी मनुष्य होते हैं, इसलिए परमेश्वर की नजर में तो सब बराबर ही होते हैं। फिर भी हर मनुष्य का अपना अपना ओहदा यानी पद होता है और हर कोई किसी ना किसी के अधीन होता है। अब बात करते हैं स्वयं परमेश्वर की। हम जानते हैं कि त्रय एक परमेश्वर यानी ट्रिनिटी में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलकर एक परमेश्वर बनते हैं और तीनों बराबर हैं हर रीति से, यानी पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर तीनों बराबर हैं। फिर भी यीशु ने क्यों कहा यूहन्ना 14:28 में कि मैं पिता के पास जाता हूं क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है? क्योंकि यहां पर एक व्यवस्था थी, एक प्रशासन था, एक खास काम को पूरा करने के लिए। क्या था वो काम? मानव जाति को पापों से छुड़ाने का काम, रिडेम्पशन। तो इस व्यवस्था में पिता परमेश्वर ने पुत्र परमेश्वर को पृथ्वी पर भेजा और पुत्र परमेश्वर जब मनुष्य का रूप धारण करके जगत में आया तो उसने खुद को अपनी ईश्वरी शक्तियों से खाली किया और पिता परमेश्वर की अधीनता को स्वीकार किया, जबकि दोनों हर रीति से बराबर थे, जैसा कि फिलिपियों का 2:5-11 बताता है। तो ठीक इसी तरह आदम और हव्वा दोनों परमेश्वर की नजर में बराबर थे, पर मानव जाति को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने उन्हें अलग अलग ओहदों पर रखा। आदम को उसने परिवार का मुखिया ठहराया, हेड ऑफ द फैमिली, और हव्वा को उसने सहायक अर्थात आदम का हेल्पर बनाया परिवार को ठीक तरीके से चलाने के लिए। तो इस रीति से हव्वा आत्मिक रूप से आदम के अधीन हो गई। लेकिन जब शैतान ने हव्वा को बहकाया तो हव्वा ने इस अधीनता को लांघ दिया। उसने आदम से सलाह किए बिना भले और बुरे के ज्ञान का फल खा लिया, जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था। बाद में उसने आदम को भी वही फल दे दिया। लेकिन फिर बाइबल ये क्यों सिखाती है रोमियों के 5:12 में कि आदम के द्वारा पाप आया संसार में, जबकि हव्वा ने पहले फल खाया था? वो इसलिए क्योंकि हव्वा को आदम के अधीन रखा गया था और ये आदम की जिम्मेवारी थी कि वह हव्वा को रोके, जो उसने नहीं किया। इसलिए आदम जिम्मेवार हुआ इस संसार में पाप के आने के लिए। क्योंकि हव्वा ने अपनी अधीनता लांगी, इसलिए परमेश्वर ने उसको कहा उत्पत्ति के 3:16 में, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। मतलब ये कि तू अपने पति को नियंत्रित यानी कंट्रोल करना चाहेगी जैसा तूने अभी किया, पर तेरा पति तुझ पर प्रभुता करेगा, मतलब तू उसके अधीन रहेगी। ये परमेश्वर ने कहा। तो ये अधीनता का सिलसिला आदम और हव्वा के समय से शुरू हुआ था और आज तक चल रहा है परमेश्वर की व्यवस्था में। अब इस रीति से जब एक स्त्री अपने पति के अधीन होती है तो उसके बच्चे भी अपने आप पिता के अधीन हो जाते हैं उस परिवार में। आज भी संसार में यही व्यवस्था चलती है जो परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए बनाई थी, अर्थात पिता ही घर का मुखिया होता है, पत्नी उसकी सहायक होती है और बच्चे दोनों के अधीन होते हैं। जो परमेश्वर की इस व्यवस्था को नहीं मानता वो कभी भी शांति नहीं पाता और कभी आशीषित नहीं होता। पूरी की पूरी बाइबल अधीनता के बारे में ही सिखाती है। किसकी अधीनता? परमेश्वर की अधीनता। दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो परमेश्वर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और दूसरे वो
जो परमेश्वर की अधीनता स्वीकार नहीं करते। जो परमेश्वर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं वे हर उस अथॉरिटी को यानी अधिकार को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं जो परमेश्वर ने उनके ऊपर ठहराया होता है। अगर पत्नी है तो पति की अथॉरिटी, बच्चे हैं तो माता पिता की अथॉरिटी, कलीसिया है तो पास्टर की अथॉरिटी इत्यादि। तो अब आइए इस दृष्टिकोण से जांचते हैं इन आयतों को जो पौलुस ने पहले कुरिन्थियों के 11 में लिखी है स्त्रियों के सिर ढकने के विषय को लेकर। यहां पर यह समझना जरूरी है कि पौलुस यहां कलीसिया यानी चर्च की व्यवस्था के विषय में बात कर रहा है। चर्च क्या है? मसीह की देह, मसीह का परिवार। चर्च की व्यवस्था सांसारिक व्यवस्था से अलग होती है। क्या है चर्च की व्यवस्था? पौलुस कहता है पहले कुरिन्थियों के 11:3 में, हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। तो इस व्यवस्था के आधार पर पिता परमेश्वर के अधीन है मसीह, मसीह के अधीन है पुरुष और पुरुष के अधीन है स्त्री। पहले कुरिन्थियों का 11:4 कहता है, जो पुरुष सिर ढांके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है। यहां भविष्यवाणी का मतलब है परमेश्वर के वचन में से पढ़ना या उसे सिखाना और पुराने नियम में लिखी भविष्यवाणियों के बारे में बताना। तो चर्च में कोई भी पुरुष जब प्रार्थना करता है या परमेश्वर के वचन को पढ़ता या सिखाता है, तब अगर वो सिर ढकेगा तो अपने सिर यानी मसीह का अपमान करेगा, क्योंकि मसीह उसका सिर है। तो मसीह का अपमान कैसे होगा? अपमान इसलिए होगा क्योंकि सिर ढकना चिन्ह होता है किसी मानवीय अधिकार के अधीन होने का इस संसार में। उदाहरण के तौर पर, अगर वो पुरुष पुलिस में या फौज में नौकरी करता हो तो उसको वहां अपने अफसर के सामने टोपी पहने रहना पड़ता है अफसर के आदर में। लेकिन चर्च की व्यवस्था में आते ही उसके ऊपर केवल मसीह होता है, कोई सांसारिक मनुष्य नहीं होता उसके ऊपर। मसीह उस पुरुष को यह अधिकार देता है कि वो बिना किसी डर के स्वतंत्रता के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सके। उस पर किसी सांसारिक या मानवीय अधिकार का दबाव नहीं होता, इसलिए वो सिर नहीं ढकेगा। लेकिन स्त्री के साथ ऐसा नहीं है। 11वें अध्याय के 5वीं और 6वीं आयत में पौलुस कहता है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। अब किसी व्यक्ति का सिर दो अवसरों पर मुंडाया जाता था उस समय में। पहला, दुख या शोक विलाप के समय। दूसरा, जब कोई व्यक्ति कोई शर्मनाक हरकत करता था यानी निर्लज्ज व्यवहार, व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री या कभी कभी वैश्याओं के सिर भी मुंडा दिए जाते थे। आज भी भारत में और विश्व की कई सभ्यताओं में इन दो कारणों की वजह से सिर मुंडा दिया जाता है, शोक विलाप या शर्मनाक हरकत। तो पौलुस कहता है कि अगर कोई स्त्री चर्च में प्रार्थना या वचन पढ़ते समय अपना सिर नहीं ढकती तो वो उसके लिए शर्म की बात है। साथ में यहां यह भी ध्यान देना जरूरी है कि इस आयत में जो स्त्री का मतलब है कोई भी स्त्री, चाहे वो शादीशुदा हो या कुंवारी, उसे सिर ढकना चाहिए, क्योंकि या तो वो अपने पति के अधीन है या फिर अपने पिता, भाई या किसी ऐसे पुरुष के अधीन है जिसको परमेश्वर ने उसके ऊपर अधिकार यानी अथॉरिटी के रूप में ठहराया है। और अगर वो परमेश्वर की ठहराई हुई अधीनता स्वीकार करती है तो उसे सिर ढकने में या ओढ़ने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 6वीं आयत में कहता है, यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडाना लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े। यहां बाल काटना मतलब बहुत छोटे छोटे, लगभग मुंडाने के बराबर। तो पौलुस समझा रहा है कि अगर कोई स्त्री ओढ़नी नहीं ओढ़ना चाहती तो इसका अर्थ है कि वो परमेश्वर की ठहराई हुई अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहती। 7वीं में कहता है, हाँ, पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा। तो यहां पौलुस कह रहा है कि स्त्री अगर परमेश्वर की व्यवस्था पर चलेगी
तो वह पुरुष की महिमा करेगी और वह पुरुष की सहभागिनी होगी परमेश्वर की महिमा करने में, क्योंकि पुरुष परमेश्वर का स्वरूप और उसकी महिमा है। इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुष स्त्री से ऊंचा या श्रेष्ठ हो गया। इस आयत का अर्थ यह है कि परमेश्वर की महिमा करने की आत्मिक जिम्मेवारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुरुष की है, और अगर स्त्री इसमें उसका साथ देगी तो वो इस जिम्मेवारी को भली भांति निभा पाएगा वो पुरुष। फिर चाहे वो पत्नी हो, बेटी, बहन या माँ हो, कोई भी उस पुरुष का साथ दे सकता है जो उसके ऊपर अधिकार यानी अथॉरिटी ठहराया गया है परमेश्वर की ओर से। हर स्त्री को अधीन रहना है उस पुरुष के जिसको परमेश्वर ने उसके ऊपर अधिकार के रूप में ठहराया है, आत्मिक मुखिया यानी स्पिरिचुअल हेड के रूप में। दसवीं में, इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे। अब चर्च में जब सभा लगती है तो वहां स्वर्गदूत भी मौजूद होते हैं। अब क्योंकि स्वर्गदूत परमेश्वर की अधीनता मानते हैं, इसलिए वे परमेश्वर की व्यवस्था और अधीनता को भी समझते हैं। उनको मालूम है कि परमेश्वर की व्यवस्था के तहत एक स्त्री को पुरुष के अधीन होना चाहिए। जब वे देखेंगे कि किसी स्त्री ने अपना सिर नहीं ओढ़ा हुआ है तो वो उनको अपमानजनक और लज्जाप्रद लगेगा। इसलिए पौलुस कह रहा है कि उचित होगा कि चर्च में स्त्री अपना सिर ढककर रखे स्वर्गदूतों के खाते। तेरहवीं में, तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना सोहता है? पौलुस कहता है कि कुछ बातें परमेश्वर ने स्वाभाविक रूप से मनुष्य के मन में डाली हुई है। अब उदाहरण के तौर पर, अगर एक पुरुष मजदूर जिसने कमर से ऊपर कुछ ना पहना हुआ हो वो किसी खेत में या सड़क पर काम कर रहा हो तो क्या किसी को अटपटा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन क्या एक स्त्री मजदूर ने ऊपर बिना कुछ पहने काम कर सकती है? नहीं कर सकती। वो अपमानजनक होगा, निर्लज्जता होगी, समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा। परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को अलग अलग बनाया है। पौलुस कहता है ठीक इसी तरह स्त्री का बिना ओढ़ने के प्रार्थना करना अच्छा नहीं। चौदहवीं में, क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है? पिछली आयत की तरह ही पौलुस यह कहता है, अगर स्वाभाविक रूप से भी देखें तो पुरुषों का स्त्रियों जितने लंबे बाल रखना शोभा नहीं है बल्कि अपमान की बात है। पंद्रहवीं में, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। पौलुस कह रहा है कि स्वाभाविक रूप से देखें तो एक स्त्री के लंबे बाल शोभा की बात है। क्यों? क्योंकि लंबे बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए। अब इस आयत पर बहुत वाद विवाद होता है। कुछ लोग कहते हैं कि लंबे बाल एक स्त्री के लिए ओढ़ने का काम करते हैं तो उसको अलग से ओढ़ने की जरूरत नहीं। अब सिर को ढकने के लिए तो छोटे बाल ही काफी हैं, फिर लंबे बाल अलग से क्या ढकेंगे? तो पहली बात तो यह है कि इस आयत में लंबे बाल स्त्री को ओढ़ने के लिए दिए गए हैं, ना कि ओढ़ने की जगह पर दिए गए हैं, जैसा इन आयतों से स्पष्ट होता है। अंग्रेजी में गिवन फॉर कवरिंग, नॉट गिवन इंस्टेड ऑफ कवरिंग। अगर पौलुस ये कह रहा होता कि लंबे बाल ओढ़ने का काम करते हैं तब तो सिर ढकने को लेकर इस पूरे अध्याय को लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी। वो सिर्फ इतना ही कह देता कि हे स्त्रियों, तुम सब लोग लंबे बाल रखो क्योंकि चर्च में सिर ढकना जरूरी है और तुम्हारे लंबे बाल ओढ़ने का काम करेंगे। लेकिन पौलुस ने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने छठवीं आयत में कहा, यदि स्त्री ओढ़नी ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। मतलब ये कि अगर कोई स्त्री ये कहती है भाई मैं किसी पुरुष के अधीन नहीं रहना चाहती और अगर पौलुस कह रहा है कि मुझे बाल कटा लेने चाहिए तो मैं कटा लूंगी, मतलब ये कि वो अपने लंबे बाल कटा लेगी। अब जब उसके बाल लंबे ही हैं तो क्या वो उसके लिए ओढ़ने का काम नहीं करेंगे? नहीं, ओढ़नी तो उसको अलग से ओढ़नी ही पड़ेगी लंबे बालों के बावजूद भी, जैसा पौलुस समझा रहा है। अगर लंबे बाल ओढ़नी होती तो पौलुस बाल कटाने की बात ही क्यों करता? पंद्रहवीं आयत में पौलुस केवल इतना ही समझा रहा है कि स्वाभाविक रूप से देखें
तो लंबे बाल एक स्त्री के शरीर के ऊपरी भाग को ढकने के काम आता है, जैसे उसका चेहरा, गर्दन, कंधे, उसकी बाजुएं और उसका सीना। ऐसे ही ठहराया था आरंभ में परमेश्वर ने हव्वा के लिए स्वाभाविक रूप से ओढ़नी, पर कलीसिया में लंबे बाल ओढ़ने की जगह नहीं ले सकते, जैसा छठी आयत में स्पष्ट होता है। 16वीं में कहता है, परंतु यदि कोई वाद विवाद करना चाहे तो यह जाने कि ना हमारी और ना परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है। पौलुस यहां यह नहीं कह रहा कि अगर कोई मेरे सिर ढकने के सिद्धांत से सहमत नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर की कलीसियाओं में ऐसा कोई रीति रिवाज नहीं है सिर ढकने का। नहीं, पौलुस यह नहीं कह रहा यहां पर। अगर पौलुस का यह मतलब होता तो उसने जितनी भी बातें ऊपर कही वे सब व्यर्थ होती, निरर्थक होती, उसका कोई मतलब ही नहीं रहता। फिर तो हर चर्च की स्त्रियां यही कहेंगी कि भाई पौलुस तो कह रहा है कि ऐसा कोई रीति रिवाज तो है नहीं, इच्छा हो तो सिर ढको, नहीं तो मत ढको। उस दशा में तो पौलुस के इस पूरे अध्याय का लिखना ही व्यर्थ हो जाता, उसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, तो फिर इसको पढ़ने की भी क्या जरूरत है। लेकिन पौलुस यहां यह नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर कोई मेरे इस सिद्धांत के विरोध में बहस करके ये कहना चाहता है कि ओढ़नी से सिर को ढकने की जरूरत नहीं है, तो मैं उसे बता देना चाहता हूं कि हमारी कलीसियाएं ऐसा नहीं सोचती और ना ही परमेश्वर की कलीसियाओं में सिर ना ढकने का कोई रिवाज है। दूसरे शब्दों में वो ये कह रहा है कि हमारी और परमेश्वर की कलीसियाओं में तो सिर ढकने का ही रिवाज है। तो पौलुस क्या समझा रहा है? पहला, जो भी स्त्री खुद को परमेश्वर के अधीन समझती है वो अपने को आत्मिक रूप से पुरुष के अधीन भी समझे, और इसी अधीनता को दर्शाने के लिए वो चिन्ह के तौर पर अपने सिर को ओढ़नी से ढके। दूसरा, स्त्री के लंबे बाल उसकी शोभा है, अर्थात लंबे बाल उसके लिंग यानी जेंडर और उसके स्त्रीत्व यानी फेमिनिनिटी को दर्शाते हैं, पर लंबे बाल उसकी ओढ़ने का काम बिल्कुल नहीं करते। चर्च में तो उसे किसी कपड़े से ही सिर ढकना होगा अगर वो पुरुष की आत्मिक अधीनता स्वीकार करती है। तो अगर कोई स्त्री कहती है कि देखो मैं मन में तो अधीनता स्वीकार करती हूं ना, फिर सिर ओढ़ने की क्या जरूरत है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आप अधीनता स्वीकार करती हैं तो सिर ओढ़ने में आपत्ति क्या है? ये तो वैसे ही हो गया जैसे कोई कहे मैं यीशु पर विश्वास तो करता हूं लेकिन बपतिस्मा नहीं लेना चाहता जो उसी विश्वास का चिन्ह है। देखो, सच तो यह है कि लंबे बालों में एक स्त्री आकर्षक लगती है जिससे पुरुष आकर्षित हो सकते हैं चर्च में। तो उचित तो यही होगा कि चर्च में कुंवारी लड़कियां और शादीशुदा स्त्रियां सिर को ढके, क्योंकि परमेश्वर शारीरिक आकर्षण से ज्यादा आत्मिक आकर्षण को महत्व देते हैं। पर यह स्त्री की खुद की इच्छा से होना चाहिए, किसी के दबाव से नहीं। अगर कोई स्त्री किसी दबाव से या किसी नियम की वजह से चर्च में सिर को ढकती है तो वो सही अर्थों में अधीनता नहीं होगी। तीसरा, कुछ लोग कहते हैं कि पौलुस ने तो यह आयतें उस समय के कुरिन्थ की संस्कृति और रीति रिवाजों के आधार पर लिखी थी, अर्थात कल्चर के आधार पर, जो आज के आधुनिक समाज में यानी मॉडर्न सोसाइटी में लागू नहीं होती। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या आज का आधुनिक समाज परमेश्वर के वचन बाइबल पर चल रहा है? विश्व की सभी सभ्यताओं में 20वीं सदी के मध्य तक स्त्रियां तन ढकने वाले सुहावने वस्त्र ही पहनती थी, पश्चिमी देशों में भी। फिर आज के आधुनिक समाज में ये तन दिखाने वाले फैशन कहां से आ गए? जहां तक चर्च में व्यवहार का सवाल है, बदलते वक्त और बदलते समाज के साथ बाइबल के मूल्य नहीं बदलते। पौलुस ने जब यह अध्याय शुरू किया था तो उसने क्या कहा था, पहले कुरिन्थियों के 11:2 में, हे भाइयों, जो व्यवहार मैंने तुम्हें सौंप दिए हैं तुम उन्हें धारण करते हो। व्यवहार मतलब चर्च ऑर्डिनेंसेस, चर्च ट्रेडिशंस, जो हर युग की सभी कलीसियाओं के लिए है। फिर वो आगे कहता है 3 आयत में, सो मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। तो क्या यह भी कल्चर पर आधारित है? 4वीं में वो कहता है,
जो पुरुष सिर ढांके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है। क्या यह भी कल्चर पर आधारित है? जब ये दोनों आयतें जो पुरुषों के लिए है किसी कल्चर पर आधारित नहीं है, तो इससे आगे की सभी आयतें यानी 5वीं से लेकर 16वीं तक जो स्त्रियों के सिर ढकने से संबंधित हैं, वो कैसे किसी कल्चर पर आधारित हो सकती हैं? नहीं है वो कल्चर पर आधारित। इसीलिए पौलुस 13वीं आयत में कहता है, तुम आप ही विचार करो, मतलब स्वाभाविक रीति से सोचो, क्या स्त्री को उघाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना सोता है? और 14वीं में वो कहता है, क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है? स्वाभाविक रीति मतलब तुम अगर नेचुरली भी सोचोगे तो भी ये बातें तुम्हें अपने आप समझ आ जाएंगी, तो फिर उसमें कल्चर कहां से आ गया? लेकिन अगर मैं कल्चर की भी बात करूं तो भी भारतीय संस्कृति में तो ओढ़ने से सिर ढकना बहुत आम बात है। मतलब ये कि एक हिंदुस्तानी मसीही स्त्री के लिए तो अधीनता का सबसे अच्छा चिन्ह सिर ढकना ही है, क्योंकि हमारा कल्चर इसको पूरी स्वीकृति देता है। अब अगर कोई पूछे कि क्या एक पत्नी उस पति के अधीन भी होती है जो वचन के हिसाब से ना चलता हो या अविश्वासी हो, तो उसका उत्तर है हाँ, क्योंकि पहला पत्रस 3:1-2 में ऐसा ही लिखा है, ऐसी स्त्री को परमेश्वर आशीषित भी करता है। एक सवाल यह भी उठता है कि क्या एक मसीही स्त्री को चर्च के बाहर समाज में भी सिर ढककर चलना चाहिए? तो उसका उत्तर यह है कि पौलुस ने तो यहां चर्च की व्यवस्था के विषय में समझाया था, जहां ओढ़नी चिन्ह है एक मसीही स्त्री के लिए कि वो परमेश्वर द्वारा ठहराई गई अधीनता को स्वीकार करती है सब मसीहियों के सामने। दूसरे शब्दों में वो चर्च को ये गवाही दे रही है कि वो परमेश्वर के वचन बाइबल की आज्ञाओं का सम्मान करती है, लेकिन चर्च के बाहर उसे सिर ढकना है कि नहीं ये उसका अपना फैसला है। अब ये जरूर है कि जो लड़कियां सिर ओढ़ने वाले कल्चर में पली बढ़ी नहीं है उनके लिए चर्च में सिर ओढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उन पर दबाव डालने या उनकी आलोचना करने के बजाय उनको वचन में बढ़ने का समय दिया जाए। परमेश्वर का वचन हर किसी के जीवन में कई रीति से बदलाव लाता है। धीरे 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 उस लड़की को सिर ओढ़ना बहुत सामान्य लगने लगेगा, उसको नॉर्मल लगने लगेगा, पर उसे समय चाहिए। कभी कभी कुछ आधुनिक कलीसियाओं में लोग सोचते हैं कि जो लोग चर्च में सिर ओढ़ने के बाद सिखाते हैं वे थोड़े दकियानुसी विचारों के होते हैं, यानी कंजर्वेटिव, आधुनिक नहीं होते, वो ब्रॉड माइंडेड नहीं होते। तो पहली बात तो यह है कि बाइबल सिखाने में और थोपने में अंतर है। दूसरा, बाइबल मनुष्य के विचार नहीं है बल्कि परमेश्वर का विवेक और उसका आत्मा है। कभी कभी लोग पास्टर से पूछते हैं कि आपके चर्च में तो लड़कियां और स्त्रियां सिर नहीं ढकती, क्यों? तो उसका जवाब यह है कि पास्टर का काम होता है प्रेम और अनुग्रह के साथ वचन सिखाना, किसी पर वचन थोपना या दबाव डालना नहीं, फिर चाहे वह पास्टर की पत्नी ही क्यों ना हो। दबाव से आप किसी भी स्त्री में अधीनता नहीं ला सकते, पर प्रेम और अनुग्रह से ला सकते हैं। अंत में मुझे एक ही बात कहनी है, इफिसियों का 5:22 कहता है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। ये वचन बिल्कुल सच हो सकता है, हर मसीही पत्नी अपने पति के अधीन हो सकती है अगर एक मसीही पति इफिसियों के 5:25 का पालन करे तो, जिसमें लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। पति का ऐसा प्रेम कि वो अपनी पत्नी के लिए अपना बलिदान दे जैसा मसीह ने कलीसिया के लिए दिया, वो प्रेम पत्नी को खुद उसके अधीन ले आएगा। आमीन।